नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बाइकबोट कंपनी के बारे में। साथियों, जिस तरीके से मैंने आज आप लोग को सुबेरे बताया था कि आज 30 जून की तारीख है और 30 जून को जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाना था, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में, भारी संख्या में वहाँ पर बाइकबोट के निवेशक जंतर मंतर पर पहुँचे और उन्होंने एक विशाल धरना प्रदर्शन का वहाँ पर आयोजन किया और हजारों की संख्या में वहाँ पर पुलिस बल मौजूद था और लाठीचार्ज जैसा माहौल बन गया था। लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे, सरकार पर ज़बरदस्त उसका दबाव पड़ा है और जो सीबीआई वाला मामला हो चाहे वो कंपनसेशन देने वाला मामला हो, दोनों पर सरकार के ऊपर ज़बरदस्त दबाव पड़ा है और उसके ऊपर सरकार सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है। इसमें जो भी नया डेवलपमेंट होगा उसको मातृभूमि टीवी पर मैं आप लोग को जल्द से जल्द बताऊंगा। लेकिन उसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हजारों की संख्या में लोग इस समय कोटगाम कैंपस यानी बाइकबोट कैंपस के नाम से आप जिसको जानते हैं वहाँ पर सारे लोग पहुँच गए हैं। सबके रहने खाने का पूरा वहाँ पर इंतज़ाम भी किया गया है और आप लोग जो भी दिल्ली के आसपास लोग हैं बाइकबोट कैंपस में पहुँचे, कोटगाम कैंपस में। और साथियों, कल 11 बजे वहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है आगे की क्या रणनीति बनानी है, इसी रणनीति तैयार करनी है। ऑल इंडिया बाइकबोट यूनियन और बाकी और जो तमाम संगठन है सब लोग मिल करके इस पर एक चर्चा होगी, क्योंकि संजय सिंह भाटी का बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख है और अपने इलाके में जेल में बंद होने के कारण बहुत सारी चीज़ों का ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जा सके और सब लोगों को सही समय पर इंसाफ मिले, क्योंकि जिस तरीके से एक साल के अंदर कंपनी चालू करके 10,000 करोड़ रुपये का इतना बड़ा स्कैम करके भाड़े का ऑफिस ले करके और किसी प्रकार का कोई एसेट नहीं बनाया संजय सिंह भाटी ने, खाली लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया साल भर में और एक साल के अंदर अंदर 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम करके और अपने ऑफिस को फर्जी तरीके से जला करके, कंप्यूटर्स को जला करके और रातों रात ऑफिस छोड़ के फरार हो गए थे। तो उनको इस करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए, किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। उसके पास साथियों विजय कसाना से लेकर विनोद चौहान तक को गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी राजेश भरद्वाज, उसके बाद फिर करण पाल सिंह, साथ में आदेश भाटी का भी नंबर है, उनको मैंने मातृभूमि टीवी के माध्यम से सख्त लहजे में कह दिया है कि आप जल्द से जल्द गौतम बुद्ध नगर सेशन कोर्ट में सरेंडर कीजिए, नहीं तो कानून के लात बहुत लंबे हैं, ये झोल झाल का लूटपाट का धंधा बहुत दिन तक नहीं चलता। आदेश भाटी जी, तो आप जो भी लोग, हजारों लोग मुझे इस समय सुन पा रहे हैं, आप सभी लोग बाइकबोट कैंपस में पहुँच कर कल की मीटिंग को सफल बनाइए और उसके बाद एक डिसीजन लीजिए और मातृभूमि टीवी की कवरेज लगातार जारी रहेगी। और जो भी लोग वहाँ पर लगातार महीने भर से धरने दे रहे हैं, मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत जो है उसका एक अच्छा नतीजा निकला है कि आज जंतर मंतर का जो धरना है पूरी तरीके से सफल हुआ है। और साथ ही साथ आज जंतर मंतर पर जो भी गतिविधि हुई है, किस तरीके से वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन लगा था, किस तरीके से वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई थी, तमाम सिक्योरिटी सुरक्षा की तमाम बटालियंस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो बाइकबोट के जो निवेशक हैं उनके अंदर का जो जोश और जुनून था किसी भी कीमत पर कम नहीं हुआ। लगातार इतनी भारी संख्या को देख करके सरकार ने इसके बारे में चिंता जताई है, उन्होंने जल्द से जल्द फैसला करेंगे कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी सरकार आगे कदम उठाती है आपको मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी के माध्यम से हमेशा बताता रहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ कुछ ऐसे सीन के साथ, कुछ ऐसे दृश्य के साथ जो आज दिन भर जंतर मंतर में हुए हैं, किस तरीके से वहाँ पर क्या गतिविधि रही थी, कुछ मैं वहाँ के वीडियोज़ मेरे पास हैं, हमारे बहुत ही काबिल दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम वीडियोस वहाँ से मुझे भेजा हुआ है, वो सारे सीन मैं आपके साथ छोड़ जाता हूँ। लेकिन आप लोग बाइकबोट कैंपस की जो मीटिंग है उसको सफल बनाइए ताकि इसका एक अच्छा नतीजा निकले और पीड़ितों को पूरी तरीके से इंसाफ मिले। दोस्तों, यही सब मैं आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा और फिर मैं मिलूँगा आपके साथ बाइकबोट के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। जय हिंद। किया जा रहा है, ये देखिए एक तरफ पुलिस है और ये लाठी चार्ज किया जा रहा है बाइकबोट इन्वेस्टरों पे। कितने सारे लोगों के चोट भी लग चुकी है और यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर
ये प्रधानमंत्री जी आवास तक नहीं पहुंचने दे रहे और यहाँ लाठी चार्ज किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। ये देखिए आप लोग, come on, come on.